खबर शिवपुरी जिले के पोहरी से है, जहां रक्षाबंधन पर बहन के घर राखी बंधवाने आया भाई नदी पर नहाने के दौरान लापता हो गया था। युवक के कपड़े, जूते और मोबाइल नदी किनारे रखे हुए मिले थे। घटना रविवार की देर शाम की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश शुरू कर दी, लेकिन रात होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन बंद करना पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने सोमवार की सुबह SDRF की टीम की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जानकारी के मुताबिक युवक रक्षाबंधन पर राखी बंधवाने आया था। इसी दौरान वह रविवार को पोहरी कस्बे करबला नदी पर नहाने गया था, यहां से लापता हो गया था। पोहरी थाना प्रभारी TI रविशंकर कौशल ने बताया कि रविवार की देर शाम करबला नदी में नहाने के दौरान एक युवक के डूबने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक की नदी में तलाश शुरू की। सुबह SDRF की टीम ने नदी में डूबे युवक का शव बरामद कर लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। कल शाम को 6:30 बजे मुझे फोन के द्वारा सूचना मिली थी, लोकल पौड़ी की जनता के द्वारा सूचना दी गई थी। उसके बाद मैंने SDRF की टीम है उसको भी बुलाया था और मेरी थाने की भी टीम थी, पर रात्रि अंधेरा होने के कारण रात में रेस्क्यू नहीं हो पाया था। साथ में उनके परिजन भी थे। आज सुबह SDRF की टीम और ग्रामीणों की मदद से उस करबला के पास जो बने उसमें वहाँ पर उसको रेस्क्यू किया गया है। तो आज उसको उसका शव मिला हुआ है। मृतक की पहचान चित्रांश तिवारी है, जो ग्वालियर में पड़ता है, पर उसकी जो बहन है वो तहसील कार्यालय में सास की सेवा में है और जो ब्लॉक कॉलोनी में रहती है। और कल ही आया था ये ग्वालियर से मृतक, उसके अभी सभी सबको बरामद कर हम डॉक्टर की जो मेडिकल टीम है उसे हम उसका PM करा रहे हैं, मरकाम कर लिया है, जांच कर रहे हैं।